आप सब लोग इस बात से तो पक्का सहमत हो गए कि हमारी बॉडी में स्टैमिना, पावर, एनर्जी, ग्रोथ, ये सब कहीं ना कहीं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील पर डिपेंड होते हैं, राइट? यानी आप वर्कआउट से पहले क्या खा रहे हो और वर्कआउट के बाद आप क्या खा रहे हो। देखो, मान लो आप 30 मिनट वर्कआउट करते हो और अगर मैं आपको एक जबरदस्त एनर्जी वाला प्री वर्कआउट मील दे दूं, मतलब आपका प्री वर्कआउट अच्छा हो जाए, तो क्या लगता है आपको, आप शायद 30 मिनट की जगह 40 मिनट वर्कआउट करोगे। इसके बाद अगर आपका पोस्ट वर्कआउट मील भी सही हो जाए, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए वर्कआउट के बाद, तो आपकी मसल्स रिकवरी बढ़ जाएगी और फिर आपका वर्कआउट करने की क्षमता आपकी मसल्स और बढ़ा लेगी। फिर शायद आप एक घंटा वर्कआउट करने लग जाओ। मतलब ये चीजें, यानी कि वर्कआउट से पहले की मील, प्री वर्कआउट मील, और वर्कआउट के बाद की मील, पोस्ट वर्कआउट मील, ये डिसाइड करती है कि आपका वर्कआउट कैसा होगा, और आपका वर्कआउट डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी कैसी होगी। शायद आपके कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से दोबारा ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वर्कआउट से पहले और बाद में क्या लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी कैटेगरी के मील बताने वाला हूँ। स्टैमिना, पावर, वेट गेन, फैट लॉस, इन सबके लिए अलग अलग मील बताने वाला हूँ। मैं आशा करूंगा कि ये प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट लेने के बाद आपके रिजल्ट दुगने हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वेट गेन वालों के लिए, जिनको अपना वेट गेन करना है, वो वर्कआउट से एक घंटे पहले शकरकंदी का सेवन करें। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जितनी भी चीजें बताऊंगा उन सब पे मैंने स्टडी की हुई है, कुछ भी फालतू का नहीं बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ नेचुरल होगा, बढ़िया होगा, क्वालिटी का होगा। अगर आप शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो का न्यूट्रिशन फैक्ट देखोगे तो इसमें भरपूर एनर्जी है, बिल्कुल भी फैट नहीं है और सभी विटामिन है। तो सबसे पहले मैंने ये पता किया कि वर्कआउट से पहले इसको कौन कौन लोग खा सकते हैं और क्या फायदा होगा। तो सभी बॉडी बिल्डर के एक्सपीरियंस लेकर मुझे पता चला कि इसको वर्कआउट से 40 से 50 मिनट पहले वो लोग खाए जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है, वेट गेन करना है, मसल्स गेन करनी है। ये लंबे समय तक वर्कआउट करने की एनर्जी देती है। एक चीज और बतानी थी, कुछ लोग वर्कआउट से एकदम पहले कुछ खाते हैं, कुछ तो जिम लेकर जाएंगे और वहीं एकदम से खाकर वर्कआउट करने लग जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। कुछ भी खाओ तो वर्कआउट से 40 से 50 मिनट या एक घंटे पहले ही खाओ। हाँ, लिक्विड जो मैं आपको बताऊंगा वो पी सकते हो, वो भी वर्कआउट से 20 मिनट पहले। जिन लोगों को अपना स्टैमिना बढ़ाना है, उनके लिए सबसे बेस्ट फल जो है वो है केला। आप सर्च करना स्टैमिना बढ़ाने वाले फूड के बारे में, केले का नाम ना आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर है जिसके बारे में मैंने जानकारी निकाली। जब उससे पूछा गया कि आपकी बॉल की स्पीड कितनी है जब आप मारते हो, तो उसने बताया 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तो जब उससे पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई, उसने एक ऐसा जवाब दिया, उसने बोला कि केला खाने से आई है। उसने कहा कि वो बचपन से केले खाता आ रहा है। बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी मैं टेनिस खेलने के लिए जाता हूं तो बैग भरकर केले ले जाता हूं, और जो बीच में खेल के बीच में जो रेस्ट दिया जाता है उसमें भी वो केले खाता था। यानी कि जिन लोगों को स्टैमिना बढ़ाना है, वो चाहे पुशअप का हो, रनिंग का हो, कोई भी वर्कआउट या फिर कोई भी खेल का, तो केला उन सब के लिए वरदान है। इसलिए वर्कआउट से 30 मिनट पहले आप 2 से 4 केले खा लो, बहुत है आपके स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए, सबसे बेस्ट है। अब बात आती है फैट लॉस वालों के लिए, जिनको फैट लॉस करना है, तो भाई आप वर्कआउट से एक घंटे पहले अनानास खाओ और वर्कआउट के 20 मिनट पहले ग्रीन टी पियो। सबसे बढ़िया और नेचुरल चीज बता रहा हूँ, कोई आर्टिफिशियल नहीं बता रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है पोस्ट वर्कआउट की, वो लोग जिनको वजन बढ़ाना है, मसल्स बड़ी करनी है, जिनका प्रोटीन पूरा नहीं होता, जिनको लगता है कि यार प्रोटीन नहीं है हमारे पास, वो वर्कआउट के बाद क्या खाए। आपको लेना है 100 ग्राम देसी चना और 50 ग्राम मूंग दाल और 10 बादाम, बस। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है, ये पचाता नहीं, रिजल्ट नहीं देगी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी, इसको मैं गलत फहमी बोलूंगा, जो कि कुछ समझदार ट्रेनर ने लोगों के दिमाग में डाल रखी है। इसको मैं अगली वीडियो में पूरी तरह से समझाऊंगा। और रही बात प्रोटीन की, तो भाई ये चीज जो मैंने आपको बताई है ना, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, इसलिए इस चीज की तो टेंशन ना लो तो सबसे बेहतर है। स्टैमिना, जिन लोगों को स्टैमिना इंक्रीज करना है, वो सब वर्कआउट के बाद जो भी आप करते हो उसके बाद बनाना शेक पिए, उसमें बादाम डालकर, बस ये है उनके लिए जो कि स्टैमिना इंक्रीज करना चाहते हैं। फैट लॉस के लिए आप ऐसा क्या खाएं वर्कआउट के बाद कि आपकी पावर भी ना घटे और फैट लॉस भी हो। देखो भाई, आप वर्कआउट के बाद कोई भी जूस पी सकते हो, सिर्फ बनाना शेक को छोड़कर कोई भी जूस, वो चाहे गन्ने का हो, वो चाहे संतरे का हो, कोई भी। अगर सुबह वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद अनानास खाओ, ये आपकी चर्बी को धीरे धीरे करके खा जाएगा।
ये तो थी वर्कआउट से पहले की डाइट और बाद की डाइट, लेकिन इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट जो डाइट आती है वो है वर्कआउट के बाद आपका ब्रेकफास्ट या फिर डिनर। उसमें आप क्या खा रहे हो, जैसे कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो सुबह ब्रेकफास्ट के एक मील लेने के बाद जो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील है उसको लेने के बाद आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है दलिया। दलिया के बाद मतलब ये तो कंपलसरी है, उसके बाद आप जो भी खाओ दलिया पक्का आपको खाना ही खाना है। दलिया ब्रेकफास्ट में दलिया खाने से मसल्स गेन होती है, इसलिए हर रोज दलिया खाओ। जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो दूध का दलिया खा सकते हैं। अब बात आती है शाम को वर्कआउट करने वालों की। जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं वो लोग डिनर में क्या खाएं? देखो भाई, आप डिनर में कुछ भी खाओ, ठीक है, जो भी बना हो वो खा सकते हो, लेकिन रात को सोने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, इन सब का पाउडर आपस में मिलाकर रखना है और 2 चम्मच दूध के साथ पीना है। अब मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसी गलतियों की जो कि वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच में और वर्कआउट के बाद सब लोग करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा वर्कआउट से पहले जो गलती करते हैं वो है कि जिस मसल्स का आप वर्कआउट कर रहे हो उस मसल्स की स्ट्रेचिंग या फिर वार्म अप ना करना। सुनने में तो ये चीज छोटी सी लगती है लेकिन भाई आगे जाके इंजरी होने के चांस होते हैं। और हमें क्या होता है, कई बार जब हम सीधा वर्कआउट लग जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि दोबारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता, मसल्स टाइट हो जाती है। डायरेक्ट अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स टाइट हो जाएगी, अगर वार्म अप करके करोगे तो मसल्स में एक तरह की एनर्जी होती है, गर्म होती है मसल्स, तो वो लंबा वर्कआउट कर सकती है, तो इस चीज़ को समझो। अब बात आती है वर्कआउट के बीच में जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोगों को बोला जाता है कि ठीक है भाई पानी पियो, लेकिन पानी पीने का मतलब होता है कि एक सिप ले लो ताकि गला गीला हो सके। वैसे तो ये नियम गर्मियों में लागू होता है, इतना पानी पियो कि गला गीला हो सके। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं जिससे नुकसान होता है, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान होता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होती है और अंदर जब पानी जाता है ना तो भाई मतलब बाहर से भी गर्म होती है तो अंदर से सोचो कितनी गर्म होगी, तो इस चीज़ का नुकसान होता है, वो चाहे आपके पाचन तंत्र पर हो, वो चाहे आपके किसी भी अंग पर हो बॉडी के, ठीक है, नुकसान होगा ही होगा। अगली गलती, तीसरी, वर्कआउट के बाद जो सबसे बड़ी गलती है, आपने वर्कआउट किया उसके बाद आपकी मसल्स टूट चुकी है, मसल्स फाइबर टूट चुके हैं, उसके बाद आपकी मसल्स मांगेगी प्रोटीन या फिर जो भी आपकी मसल्स डाइट मांगेगी, तो आपको कम से कम आधे घंटे के अंदर अपनी डाइट अपनी मसल्स को प्रोवाइड करवा देनी है। वर्कआउट के बाद आपको एकदम से डाइट लेनी है, मतलब आधे घंटे के अंदर ले लेनी है। लोग क्या करते हैं, वर्कआउट किया और 1-1.5 घंटे बाद ली भी या नहीं ली ऐसा काम करते हैं, तो भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इन सबको फॉलो करो। और आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा वेज वर्सेस नॉन वेज पर, ठीक है, इस चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसी ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।